हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर सब सभी का स्वागत करता हूं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमने पिछले बार आपके साथ लाइव सेशन में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपके साथ एचआरएम की बेसिक इंट्रो देखी थी और 10 एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। आज ये उसका पार्ट टू है, जिसमें मैं फिर से आपके साथ इंट्रो तो डिस्कस नहीं करूँगा, बट हाँ 10 एमसीक्यूज जरूर डिस्कस करूँगा। मैनेजमेंट के ऑलरेडी हमने दो पार्ट पूरी तरह से कवर अप किए हुए हैं, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट। नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपके एनवीएस और यूजीसी नेट या फिर किसी भी स्टेट का, अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आपका एच टेट हो या डी ट्रिपल एस बी हो या फिर आपका यूपी सुपर टेट हो, कहीं भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन तो एक ही टाइप के होंगे, पूरी के पूरी मैनेजमेंट होगी, पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम आपके लिए क्लासेस दे रहे हैं, जो लेक्चर्स हमारा आ रहा है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव सुपरविजन होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जो सुपरविजन है वो इफेक्टिव हो, इफेक्टिव इन द सेंस ऑफ वो वर्क जिसमें कोई भी काम विद इन टाइम पर हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट में हमने ये दो वर्ड्स डिस्कस किए थे आपके साथ, इफेक्टिव और इफिशियंसी। इफेक्टिव क्या कहता था, जो भी काम है वो विद इन टाइम में खत्म होना चाहिए, और इफिशियंसी कहता था जो भी काम है वो विद इन कॉस्ट पे हो जाना चाहिए, यानी कि कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। चलिए फटाफट बताइए कि इफेक्टिव सुपरविजन किससे जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन से जुड़ा हुआ है, स्टाफिंग फंक्शन से है, कंट्रोल फंक्शन से है, या फिर डायरेक्शन फंक्शन से है। चलिए फटाफट ऑप्शंस कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डायरेक्शन फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचआर प्लान्स, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स होता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर प्लानिंग जो है वो इन चारों में से किससे जुड़ा हुआ नहीं है, आपको वो बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, पर्सोनल प्लान, यानी कि जो भी हमारे व्यक्ति वहां पर काम करते हैं उनसे जुड़ा हुआ, तो जी हाँ एचआर प्लान तो उनसे जुड़ा हुआ होता ही है। नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं, कंपनसेशन प्लान्स, जितने भी इम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको कंपनसेशन देना, उनको सही सैलरी देना भी एचआर का ही एक हिस्सा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान्स, जी हाँ जो इम्प्लॉयज काम करते हैं उनको ट्रेनिंग भी देना है और डेवलपमेंट भी देना है। ट्रेनिंग यानी कि देखिए दोनों में डिफरेंस भी याद रखना आपको, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग करंट जॉब के लिए दिया जाता है और डेवलपमेंट फ्यूचर में और दूसरे जॉब्स आप कर सकें इसके लिए दिया जाता है, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन प्लान्स, जो कि हमारा एचआर में शामिल नहीं होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, सभी चीजें आती हैं और कौन क्यों नहीं आता है सो, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड डेवलपिंग लीडरशिप इज कॉल्ड, यानी कि एक लीडरशिप की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका असेसिंग यानी कि मूल्यांकन करने के लिए, या फिर उस एक लीडर बनाने के लिए आप यहाँ जो मेथड दिया हुआ है इनमें से कौन सा मेथड, कौन सा प्लानिंग का उपयोग करेंगे, आपको ये बताना है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग का प्रयोग करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रयोग करेंगे, या फिर सक्सेशन प्लानिंग का, या फिर इन तीनों का प्रयोग करेंगे। चलिए बताइए कौन सा वन ऑफ द बेस्ट मेथड होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्सेशन प्लानिंग का हम लोग यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑफ लीडरशिप, ठीक है। आई होप ये भी चीज क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ, हमें दो वेरिएबल्स के बीच अगर रिलेशनशिप बनाना है या आइडेंटिफाई करना है तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, आपको ये बताना है। रेशियो एनालिसिस का प्रयोग करेंगे, सेल्टर प्लॉट का प्रयोग करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस का प्रयोग करेंगे, या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप सभी का आंसर ऑल ऑफ द एबव जा रहा होगा,
है कि नहीं। चलिए, कितने लोगों का ऑल ऑफ द एबव गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर था। बट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्टर प्लॉट। ठीक है, होता क्या है ये, देखिए आप गूगल में जाकर के डायरेक्टली सेक्टर प्लॉट सर्च करो और इमेज में चले जाना, आपको इमेज में कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का बना हुआ होगा और यहाँ पर डाउट डाउट इस तरह से डाउट बहुत सारे अलग अलग डाउट इस तरह से यहाँ जहाँ तहाँ आके डाउट्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो डाउट्स होते हैं ये हमारे अलग अलग वेरिएबल्स को बताते हैं कि कौन सा वेरिएबल्स है, किस तरह से है, वो इन सब चीज़ों को वो बताता है और सेक्टर प्लॉट इसमें काम करता है। बेसिकली ये वेरिएबल्स हैं इसीलिए काम कर रहा है वेरिएबल्स के लिए। अगर अर्थमेटिकल बात होता तो हम लोग टिक करते रेशियो को और ट्रेंड एनालिसिस को, ये दोनों हमारे अर्थमेटिकल को रिलेशनशिप दिखलाते हैं, बट जो सेक्टर है वो वेरिएबल्स का रिलेशन को दिखलाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आपको क्लियर हो, एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हर जगह सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस विच कंसिस्ट हाउ एंड व्हाट पोजीशन आर टू बी फिल्ड इज कॉल्ड, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके पास सीट खाली है, जो भी पोजीशंस खाली है, उनको फिल करने का, उनको भरने का जो आप तरीका अपनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं, सक्सेसर प्लानिंग कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ एबव कहते हैं। चलिए बताइए क्या कहते हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ एबव होगा। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो है ही उसका पार्ट, और सक्सेशन प्लानिंग लीडरशिप को निकालने का भी एक तरीका है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको मैनेजर चाहिए तो वो भी एक लीडर होता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा। मेरे ख्याल से ये भी चीज क्लियर हुआ हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ कंपनी डिफाइन ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर एम्प्लॉयज इट इज परफॉर्मिंग, यानी कि कोई एक कंपनी अगर ये एक सर्टेन डिफाइन कर देती है कि किसकी क्या ऑथोरिटी है और किसको किससे बात करना है, ठीक है, किस तरह कौन सा कम्युनिकेशन जाएगा, अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा, या जो भी है, ठीक है, कैसा जो कम्युनिकेशन होगा, कैसी ऑथोरिटी होगी, अगर ये सभी इम्प्लॉय को पहले से वो डिफाइन कर देती है तो वो क्या कहलाता है, स्टाफिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, लीडिंग फंक्शन, या फिर कंट्रोलिंग फंक्शंस, बताइए कौन सा फंक्शन होता है ये आपका। मैनेजमेंट की मैं टोटल केवल दो ही क्लास लिया था, ज़्यादा क्लास नहीं लिया था। अगर दोनों क्लास आपने प्रॉपरली देखा है तो इसका आंसर आप दे लोगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोगों का NVS का एग्जाम है इसलिए मैं केवल MCQs करवा रहा हूँ, बट आफ्टर NVS, ठीक है, NVS के बाद 20 तारीख से मैं आप लोगों का सर्टेन क्लास स्टार्ट करूंगा विथ टॉपिक वाइज। ये क्लासेस आपके PGT जितने भी स्टेट में PGT का एग्जाम होगा उसके लिए, जिसमें आपका HTET आ जाएगा, UPTET आ जाएगा, DSSSP आ जाएगा, आपका NVS KVS आ जाएगा, इसके लिए तो होगा ही होगा। साथ ही साथ आपका जो दिसंबर में UGC नेट होगा उसके लिए भी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो लाइव सेशन में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉपर टाइमिंग के साथ में, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं केवल कॉमर्स में ही नहीं आने वाला हूँ, मैं आप लोगों की पूरी कंप्लीट जो सब्जेक्ट्स है ना वो कंप्लीट करूँगा। पूरी कंप्लीट मतलब जो भी आपका सिलेबस में आता है, एग्जाम में आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GS, इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से बारीकी से सीखेंगे। एग्जाम कहीं नहीं जाना चाहिए, एग्जाम तो आप दोगे ही दोगे, मैं जॉब दिला के रहूँगा इस बार आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी कम्युनिकेशन अगर पहले से फिक्स्ड हो तो उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉइज एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स इज इन्वॉल्वड इन, यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वहां के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया हुआ है और जो उनके टॉप लेवल या फिर उनके मैनेजमेंट के द्वारा जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जब आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हो, ठीक है, तो वैसे कंपैरिजन को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। मैनेजमेंट के बेसिक 5 स्तंभ होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। ये 5 स्तंभ
बेसिक चीजें से याद रखने की कोशिश कीजिए, बेसिक नॉलेज के साथ आपको सभी के आंसर एग्जाम में जितने क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें से 10% क्वेश्चन तो इन पांचों से ही जुड़े हुए होते हैं, और हम लोग यहीं पर गलती करते हैं कि पढ़ते नहीं है इन पांचों को। हमें लगता है इन पांचों के बारे में हमें पूरी तरह से पता है, बट यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी कि मान के चलिए मैं समझाता हूँ। मैं एज ए टीचर मैंने आप लोगों को बोला कि 10 दिन में आप लोगों को जिस तरह से पढ़ना है, ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि 10 दिन में आपको इस तरह से पढ़ना है, वो था मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको वैसे वैसे करना है, बट एक्चुअली में आप कितना पढ़ रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा वही यहाँ पर आएगा, और उसे कहा जाएगा कंट्रोलिंग। क्या कहेंगे उसे? कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको वीडियो में समझाया था संडे को, जो मैंने क्लास लिया था, एक तरह से आप लोगों से बातें की थी, उसमें स्टैंडर्ड बताया था कि इस तरह से पढ़ने चाहिए, वो था स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का तरीका। अब जो आप लोग कर रहे हो वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस का तरीका, दोनों में कंपैरिजन कर लो तो आपको मालूम चल जाएगा कंट्रोलिंग क्या होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे को देखिए। एक्चुअल लाइफ में भी ये सब चीजें होती हैं, इस तरह से याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनेजर हु कैन ओनली इशू ऑर्डर इन हीज ऑन डिपार्टमेंट, यानी कि वैसा मैनेजर जो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे सकता है, उसे क्या कहेंगे, उस मैनेजर को कौन सा मैनेजर कहा जाएगा। पहला चीज तो ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, दूसरा मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, वैसे ऑर्डर को, वैसे कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में दो आंसर दूंगा मैं आप लोगों को, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। मस्ती है, चांदी है, चांदी है आप लोगों की, तो चलो हटाओ आंसर दो इसका। देखिए, जब कोई एक मैनेजर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे सकता है, उसे बोलते हैं स्टाफ मैनेजर। क्या बोलते हैं उसे? स्टाफ मैनेजर। और ऐसे ऑर्डर को, ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरी भाषा में स्कैलर चैन का जो बीच वाला जो हिस्सा होता है वो वाला। बहुत सारी चीजें हैं एक साथ जुड़ जाती हैं, जुड़ने की कोशिश करो। स्कैलर चैन आपने देखा होगा ना, उसमें कुछ ये वाला बीच वाले हिस्से निकलते हैं ना, यही है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमारा। ठीक है, और यही है मैनेजर, स्टाफ मैनेजर भी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज इन्वेंट्रीज कैन बी बेस्ट क्लासिफाइड एज, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, लार्ज, लार्ज यानी कि बहुत ज्यादा, जितना जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा अगर रखा हुआ है, तो उसे किस में डिफाइन किया जाएगा। SWOT एनालिसिस का आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, SWOT, SWOT एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। SWOT एनालिसिस हम लोग जनरली समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, बट ये गलत है, मिथ है ये। ठीक है, बहुत सारे मिथ हैं हमारे बीच फैली हुई हैं, इनको दूर किया जाएगा, घबराइए मत। लाइव सेशंस बहुत जल्दी मैं आप लोगों का प्रॉपर क्लासेस लूंगा, ठीक है, उसमें जितने भी आपके मिथ हैं, यानी कि जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर किया जाएगा। प्रॉपर एक एक थ्योरी को विथ जड़ से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, किस लिए है, काहे दिया गया है भैया, क्यों दिया, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें बताना है, तो ये जो राइट आंसर है वो है वीकनेस। ठीक है, ये उसकी वीकनेस को दिखाता है। ये वीकनेस क्यों है? वीकनेस इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्केल में आपके पास स्टॉक्स पड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका जो कैश है वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उस कैश का यूटिलाइजेशन आपके पास कोई तरीका नहीं है। अगर तरीका होता तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं और आगे बढ़ गया होता, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? वीकनेस कहलाएगा। और शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है? S फॉर स्ट्रेंथ, T फॉर थ्रेट्स, O फॉर अपॉर्चुनिटी और W फॉर वीकनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी है हमारा। एडिशनल ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन इन अ कंपनी इज, यानी कि कोई एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट में किसी नए प्रोडक्ट को ऐड करती है तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं, या फिर
जियोग्राफिकल एक्सपांशन कहते हैं। ऑप्शन चूज कीजिए, राइट आंसर क्या है आपके हिसाब से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करना। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन की बात आई है तो बताइए डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, और जो तीसरा होता है वो है हमारा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तीन डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप हमारा जो भी 10 क्वेश्चंस है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और पसंद आया समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि एक प्रॉपर नॉलेज सभी के पास जरूर पहुंच जाए। और जो फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।